नानी के घर से नई नई आई है ना, और यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, इसलिए कह रहा था जरा बच के रहना बेटी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, इस चार दीवारी से मैं बाहर कहीं नहीं भाग सकती। अब तुम जाओ। बाप का माँ समझ के खा रहा है, पैसे निकाल पैसे। घसीटा राम जी, चार दिन से भूखा हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरा गधा है, गधा गिरवी रख लीजिए जी। वाह, गधा गिरवी रखूं फिर इसको खिलाऊं? अरे मैं कोई गधा हूँ? नहीं जी, मैं गधा हूँ, समझ गया। और तेरा सत्यानाश हो जाए, चुप कर। आदमी गधे की सवारी करता है, मैं गधे की सवारी, मुझ पर गधा सवारी कर रहा है। क्या जमाना आ गया है, गधा मेरा साथी, पास दिया है न बाती। अबे मनहूस, जब से तेरा मेरा साथ हुआ है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। बड़ा बांका नौजवान लग रहा है। अबे मैं रो रहा हूँ, तू सीटी बजा रहा है, कोई दिख गई क्या? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रही। मैं, कोई तू नहीं, मैं राज परे। आपने मुझे बुलाया? और नहीं तो क्या, गधे को बुलाया? बात एक ही है, जब एक खूबसूरत लड़की घर में अकेली सिटी बजाकर किसी नौजवान को बुलाती है तो क्यों बुलाती है, इतना भी नहीं समझती? समझ गया, जब एक खूबसूरत लड़की किसी नौजवान लड़के को अकेले कमरे में बुलाती है तो उस नौजवान लड़के की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं जाती हूँ। अरे या 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 मैं जाने दूंगा तब ना। देवी जी क्षमा कीजिए, मैंने 16 साल से अपनी इज्जत को संभाल कर रखा है, इतनी बेदर्दी से उसे मत लूटिए। नौकरी करोगे? नौकरी करूंगा, आप कहेंगी तो आपके पैर दबाऊंगा, आपकी भैंस का गोबर उठाऊंगा और आपकी। बस बस बस, ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना है, सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें रोज चांदी का 1 रुपया मिलेगा। चांदी का 1 रुपया? क्या करना होगा? मेरा दिल बहलाना होगा जैसे मैं कहूँगी। मंजूर है? अबे तूने भी हाँ कर दी। ये ले। लगता है तू भी आज किसी के शीरे में जलेबी डालकर आ रहा है। घसीट के? घसीट के नहीं, लपेट के। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मगर यहाँ तो सीटी मार के, निशाना ताड़ के, अंदर बुला के, नैना मिला के, जब भी पा के दिया है। क्या दिया है, किसने दिया है, कुछ हमें भी तो पता लगे। बड़ा बर्फी के ऊपर लगे हुए चांदी के वरक की तरह चमक रहा है, घसीट के। दूध गरम है, दूध गरम है, और इसी गर्मा गर्म दूध की तरह लौंडी अभी गरम है और मलाई की तरह नरम है। इतना गर्म है, वो लड़की रहती कहाँ है भैया? वो लड़की पंचायत के चबूतरे की गली के नुक्कड़ का जो मकान है वहाँ रहती है, और अपना दिल बहलाने के लिए मुझे नौकर रखा है, और रोज 1 चांदी का रुपया देने का वादा किया है, निभाना पड़ेगा। पंचायत वाली गली, नुक्कर वाला मकान, पता पता तो मेरे घर का ही दिखाई देता है। हाँ घसीटा राम जी, बिल्कुल आप ही के घर का पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुत्ता आपके घर की कड़ाई में मुंह मार रहा हो? आप भी अपनी नजरें खोलो, मेरे बारे में सोचो, मैं कब तक तो कुंवारा बैठा रहूंगा? अबे तू बैठा क्यों है सीट के? उठ उठ। ओ घसीटा राम, तुम वो गर्मा देने वाला केसरिया दूध तैयार करके रखना, मैं अपना काम करके चांदी का रुपया लेकर अभी आता हूँ। सुनो, वहीं जा रहे हो घसीट के? और नीति के, तुम्हारे घर जा रहा हूँ घसीट के। रोक दिया, जाते को टोक दिया, अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूध में जलेबी भी डाल देना। मैं अभी गया और अभी आया। हुई 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 हुई। अभी गया और अभी आया, कैसे वापस आएगा? शाहजी मुझे तो लगता है ये आप ही के घर गया है। बकवास मत कर, मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है, चल के अपनी आंखों से देख लो। चल चलो। पाकीज़ा, नहीं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। अरे दरवाजा खुला हुआ है और तुम इस अंदाज में लेटी भी हो, अगर मेरी बजाय कोई और आ जाता तो। अरे किसकी मजाल है, और फिर दरवाजा क्या है, तुम्हारे लिए तो मैंने आंखें खोल रखी है,
दिल खोल रखा है, जिगर खोल रखा है, मगर तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए तो मैं तड़प रही थी। जाने मन, तुम्हारे प्यार का मुकाबला करने के लिए मुझे खास किस्म की कसरत करनी पड़ती है। बेटी जयश्री, दरवाजा खोल। खोल। ओहो, जल्दी खोल बेटा। ये आवाज किसकी है? बापू की। बापू की? बापू, यार दुकान से जल्दी कैसे हमारा? अरे वो तो बाद में मरेगा, पहले मुझे मार डालेगा। हाँ। मुझे कहीं छुपा, मुझे छुपा, मुझे कहाँ छुपा, कहाँ छुपा? दिख जाएगा, दिख जाएगा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़े में हैं, पलंग में नहीं है, टोकरी ले, टोकरी में आ गया, नहीं छोटी है, नहीं है, इधर थैली में, थैली मैं लिए, चटाई, 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 चटाई नहीं, चटाई, धनी, जल्दी खोल बेटा। मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। चुप करो, जीत गए। जल्दी खोल बेटा, जल्दी खोल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों करती? सीट के किससे बातें कर रही थी? तो उन्हें यहाँ कौन है? यहाँ किससे बातें करूंगी? इस चार दीवारी में बंद तुम्हारे बादाम के हलवे के लिए बादाम चुन रही थी। एक तो सारा सारा दिन मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, ऊपर से तुम आकर मुझे बदनाम करते हो। तुम बाप हो या पिताई? बेटी रोती क्यों है? मैं तो इसलिए आया था, अगर बादाम चुन लिए हो तो मैं ले जाऊं। अभी नहीं, पहले चखे तो देखूं कि कड़वे हैं या मीठे। अच्छा, कड़वा है। कड़वा है? ये भी कड़वा है। ये भी कड़वा है? क्या निशाने पर मारा है जाने मन? ये तो बिल्कुल ही कड़वा है। कमाल है। मीठे बादाम, आशिक के नाम। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, इस बार बादाम कुछ ज्यादा ही कड़वे आए हैं। जब बादाम चुन लो हाँ। तो दुकान पे भेज देना। अरे बापू, बादाम चुनने का एक रुपया तो दे दो। ये ले, किसी को देना मत हाँ। और खर्च भी मत करना हाँ। मेरी भोली भाली बेटी को बदनाम करता है, ले आया घसीट के। अब लगा पता, होना तो यही चाहिए था। अच्छा बेटा, अब के देख लूंगा। लगता है तेरी अकल में जलेबी का शीरा घुस गया है घसीट के। क्या मैं इस उम्र में शादी करूंगा? नहीं नहीं, अपनी नहीं, मेरी शादी कर डालो। तेरी तो बनाता हूँ जलेबी। घसीटा राम जी, दूध जलेबी जल्दी, लगता है नौकरी अपनी जल्दी। क्यों, आज दिल बहलावे वाला काम नहीं हुआ? अजी काम शुरू होने वाला ही था, मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसका मनहूस बाप आन टपका। फिर क्या, मेरी फिरकी घुमा देता वो तो। वो तो लड़की होशियार थी, उसने मुझे चटाई में छुपा दिया। और फिर, अरे बाप शेर था तो लड़की सवा शेर, ऐसा हेर फेर। बादाम की थाली सामने रखी और कहा कि ये कड़वा बादाम है, मेरी तरफ मीठा बादाम फेंका, मैंने खा लिया। फिर फेंका वो मैंने खाया, और उसका गधा बाप देखता रहा और मैं खाता रहा। फिर जलेबी को खा रहा है, वो तुम देख नहीं रहे हो, मैं खा रहा हूँ। अब तुम देखते हो, नहीं खाता हूँ, ले जाता हूँ। चला हम, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। मन, ये इश्क नहीं आता, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और आग बुझाना है। लगता है गर्मी बहुत है, ठहरो मैं लस्सी लाती हूँ। अरे तुम तो खुद लस्सी हो, मेरे प्यार की रस्सी हो, रूह अफ़ज़ा हो, मेरे दिल का कब्जा हो। बेटी दरवाजा खोल। ये आवाज कहाँ से आई? दरवाजे से आई है। बापू बापू बापू, ये अमदूत कहाँ से आ गया? आज तो चटाई भी नहीं है, चटाई कहाँ बिछाऊं? बेटी दरवाजा खोल। आप नहीं बच सकता साला। हो गई मेरी। अरे वहाँ नहीं, यहाँ। हाँ इधर नहीं, इस संदूक में कुछ पैसा ना है। संदूक में बैठ जाओ। संदूक आजा, तू आजा। संदूक में, संदूक, संदूक में, संदूक। बापू ये तेल लेके आए हैं, मिट्टी का। मिट्टी का तेल? किस तेल? आग लगाने के लिए हा? मैं घर को आग लगा दूंगा। नहीं नहीं, सबको मिटा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हा? तेरे उसको भी जला डालूंगा। उसको किसको? फिर से दौरा पड़ गया क्या? ये भूत चढ़ा हुआ है। हाँ भूत चपट गया है, हट जाओ, हट जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। हट जाओ, हट जाओ, चल आराम, ले जा सीध के, ले जा सीध के, ले जा। ना रहेगा दूध और ना जमेगी दही। वाह क्या बात कही। मुझे भी क्या याद रखेगा, ना तेरा सिर रहेगा, ना तेरी टांगे रहेंगी, तेरे काम की कोई चीज नहीं रहेगी। मत डला जालिम। आ
आग लगा दी। हाय हाय, मेरा मुंह जल रहा है, मेरा मतलब संदूक जल रहा है। अरे छोड़ना, मेरा सब कुछ जल जाएगा। हाय, मैं क्या करूँ, मेरा बाबू तो पागल हो गया है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अरे मेरे संदूक में मेरे गहने हैं, मेरी माँ के गहने। चलने दो, उसको भी चलने दो। लेकिन मेरे मेरे स्वा का जोड़ा भी है, उसको भी चलने दो। सवाल करते हो सीताराम, कैसे बाप हो? छोड़ो, चलो भाई संदूक बाहर निकालो, छोड़ो, जल्दी करो, चलो चलो। ठहरो, मैं से उसको बाहर निकालूंगा, बाकी सब कुछ चलने दूंगा। हाँ चलेगा चलेगा, समझे? लेकिन तुम समझो। हाँ जल्दी, अरे तुम क्या कर रहे हो? जाओ, जाता हूँ। लाओ मेरे संदूक को, लाओ। भारी बहुत है, चांदी के बर्तन भरे हुए लगते हैं। मुझे तो इसमें लोहे के दिखाई देते हैं। बच के संभल के। काम खत्म हो गया, चलने दो साले को, चलने दो। देखो जरा बापू, तुम दुकान जाओ ना, अंदर का सामान मैं संभाल लूंगी। अच्छा भाई, तुम क्या देख रहे हो? घर तो मेरा चल रहा है, चलने दो, जाओ तुम। हाँ, जाओ जाओ साले, चल। अब तेरी जगह दूध और मलाई मैं खाऊंगा। चल भाई। हाँ चल। अच्छा भाई, अच्छा अब देखता हूँ साला कैसे बचता है। आ जाए सब लोग, गए। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बात तेरी मेरी बन गई, तेरे दिमाग से। ए, मेरी मोमबत्ती। हाँ मेरे परवाने, परवाने आजा, सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो मुझे अपना घर जवाई बना लो। आप रे चमचे, मैंने घर जला दिया और तू तापड़े की सोच रहा है। घर तो जला दिया मगर साले तुमको ऊपर पहुंचा दिया। आसमत हमारे साथ है। तू अभी जिंदा है सीताराम, सीताराम आज तो कमाल ही हो गया। जैसे ही आज मैं अपनी बुलबुल से मिलने उसके घर में गया ना, उसका जालिम बाप हाथ में मिट्टी का तेल लेकर आया और सारे घर में छिड़क कर अपने ही घर में आग लगा दी। मगर तू बचा कैसे? अरे तेरी यह चरित्र, उसकी लड़की जो है ना बहुत ही अकलमंद है। उसने क्या किया, मुझे संदूक के अंदर बंद कर दिया और कहा कि संदूक में मेरी माँ के जेवर हैं। उसका बाप आया, कहने लगा हाय हाय मेरी मरी हुई बीवी के जेवर। उसने सर पर संदूक को उठाया, संदूक को बाहर लेकर आया, उस संदूक के अंदर मैं था, मैं बच गया। अरे तुम हंस नहीं रहे? घसीटाराम तुम्हें क्या हुआ है? कभी नहीं, मैं ही तो उस लड़की का बाप हूँ। तुम ही उस लड़की का बाप हो? हाँ। तो मुझे घरे लगा लो, लेके से लगा लूं। वहाँ से तो बच गया, यहाँ से नहीं बच सकता। पटरा हो जाएगा, हो जाने दे, तेरा होगा, मैं ही रहूंगा, तेरा होगा। मेरे होने वाले ससुर जी, तुम भी थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ। देखो तुमने अपने हाथों से अपने घर को आग लगा दी, इस दुकान को तबाह कर दिया। अब देखो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। नहीं। अरे उससे मेरी शादी करवा दो। नहीं। देखो मैं दहेज भी नहीं लूंगा। दहेज नहीं लोगे? हाँ। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? ये बात आपने पहले पूछी नहीं घसीट के? मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ये कौन है? मुझे मंजूर नहीं है। अरे तो ये हमें मंजूर नहीं है। आप हमें मंजूर हैं।